अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आईटी मेंटोर चैनल। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 5। इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की बाकी टाइप्स। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हम देखेंगे अभी मदरबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एंड स्पीकर। लेक्चर नंबर 3 में हमने डिफाइन किया था सीपीयू और मॉनिटर को। अगर वो आपने लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर लेक्चर नंबर 3 आप देखें, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की मेन कंपोनेंट मदरबोर्ड को देखेंगे कि मदरबोर्ड क्या होता है और इसका क्या काम होता है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में से एक मेन टाइप मदरबोर्ड ये आपके सामने नजर आ रही है। इसमें हम देखेंगे कि इसका क्या रोल होता है हमारे सिस्टम में। तो बेसिकली इसका, मदरबोर्ड का हमारे सिस्टम में मेन रोल होता है, क्योंकि जो भी हमारे कंपोनेंट्स कंप्यूटर के यूज होते हैं वो मदरबोर्ड के जरिए से ही इसमें यूज किए जाते हैं। जैसा कि आपको नजर आ रहा है, ये हमारा सीपीयू, इसको हम प्रोसेसर कहते हैं। ये जिस पर एएमडी लिखा हुआ है, इसके कई टाइप्स और कई किस्में होती हैं। और उसके बाद ये आपको स्लॉट्स नजर आ रहे हैं ब्लू कलर के, ये इस पे रैम इंसर्ट की जाती है। और बाकी ये स्लॉट्स नजर आ रहे हैं इसमें, और बाकी कार्ड्स जैसा कि वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड वगैरह लगाए जाते हैं। और उसके बाद ये आपको सेल नजर आ रहा होगा, ये स्लॉट जो है वीजीए केबल के लिए होता है। और ये जो बाकी नजर आ रहे हैं, ये इसमें हम बाकी जो कंपोनेंट हैं जैसा कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, वो हम इसके जरिए से लगाते हैं। मदरबोर्ड में जो कंपोनेंट यूज होते हैं, या तो वो डायरेक्टली यूज होते हैं या वो केबल की मदद से यूज होते हैं। जैसा कि अब आपको पता चल गया होगा कि कौन से कंपोनेंट जो केबल की मदद से लगाए जाते हैं और कौन से कंपोनेंट डायरेक्टली लगाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रैम जैसा कि डायरेक्टली लग रही है, बाकी ये सेल हो गया, बाकी कार्ड्स वगैरह हो गए, ये प्रोसेसर हो गया, और बाकी भी बहुत सारे आपके सामने नजर आ रहे हैं। और उसके बाद ये आपको स्लॉट्स नजर आ रहे हैं, ये डायरेक्टली इसमें यूज नहीं होते, ये इसकी केबल की मदद से इसमें इस्तेमाल किया जाता है इनको। अब हम देखेंगे कि मदरबोर्ड क्या है। मदरबोर्ड कंप्यूटर का एक मेन पार्ट है। हम मदरबोर्ड की मदद से कंप्यूटर के बहुत सारे कंपोनेंट मदरबोर्ड में लगा सकते हैं, जैसे कि रैम हम मदरबोर्ड में लगाते हैं, रोम भी हम मदरबोर्ड में लगाते हैं, हार्ड ड्राइव, यूएसबी, वीजीए केबल्स, वीडियो कार्ड, ये जो भी आपके कंपोनेंट है कंप्यूटर के, ये सारे मदरबोर्ड में लगाए जाते हैं। इसी वजह से हम मदरबोर्ड को क्या कहते हैं, बैकबोन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि आपके जो भी कंपोनेंट है जिसकी वजह से कंप्यूटर सही तरह वर्क करता है वो मदरबोर्ड में लगाए जाते हैं, और इसी वजह से आपका एक कंप्यूटर सही तरह चल सकता है। इसी वजह से ही हम मदरबोर्ड को बैकबोन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ये जो सारी आपको लिस्ट नजर आ रही है कंपोनेंट की, ये सारे कंपोनेंट हम मदरबोर्ड में लगाते हैं, तो इसी वजह से इन कंपोनेंट की लगाने की वजह से हम मदरबोर्ड को बैकबोन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ताकि आपका एक कंप्यूटर सही तरह वर्क कर सकता है, क्योंकि उसमें एक प्लेटफॉर्म होता है जो आपका मदरबोर्ड है, और वही मदरबोर्ड आपके बहुत सारे कंपोनेंट को लगाता है। ये तस्वीर भी एक मदरबोर्ड की है कि हम मदरबोर्ड में कौन कौन से कंपोनेंट लगाए जाते हैं। ये आपको एरो नजर आ रही है, ठीक है, ये जो एरो पे आपको कंपोनेंट नजर आ रहे हैं, ये सारे कंपोनेंट उसी के नाम है, जैसे बायोस, मदरबोर्ड में बायोस कहाँ होते हैं वो आपको एरो पे नजर आ रहा है कि ये यहाँ पे आपकी बायोस होती है, साउथ ब्रिज कहाँ होता है वो आपको एक एरो नजर आ रही है। ये सारे जो आपको कंपोनेंट नजर आ रही है ना, उनकी लोकेशन जो आपको नजर आ रही है, ये उनके नाम है कि मेमोरी कहाँ लगाई जाती है, प्रोसेसर सॉकेट कहाँ होता है, एजीपी कहाँ होता है, नॉर्थ ब्रिज कहाँ होता है, ये सारे आपके मदरबोर्ड में होते हैं, लेकिन उनकी लोकेशन अलग अलग होती है। तो लिस्ट आप देख सकते हैं एरो की मदद से, क्योंकि हमने नाम भी दिए हैं कि इस लिस्ट में इस कंपोनेंट का नाम क्या है। कीबोर्ड,
एक और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है कीबोर्ड। अब हम पढ़ेंगे कीबोर्ड है क्या और इसका काम क्या होता है कंप्यूटर के हवाले से। ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है कीबोर्ड की तस्वीर है। हम कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर में वर्क करते हैं, काम करते हैं, कुछ राइट करते हैं। कीबोर्ड में बहुत सारी कीज होती हैं, जैसे कि फंक्शनल कीज जो आपको नजर आ रही है F1 से लेकर F12 तक। ये जो सारी कीज हैं इन कीज को बोलते हैं हम फंक्शनल कीज, F1, F2, F3 से लेकर F12 तक। ये सारी कीज का जो नाम है वो है फंक्शनल कीज। उसके बाद आती हैं अल्फाबेटिक कीज। अल्फाबेटिक कीज का तो आपको पता होगा, जिसमें हम ABC लिखते हैं, कोई भी करेक्टर लिखते हैं अल्फाबेट का, A हो गया, B हो गया, C हो गया, A से लेकर Z तक जो भी कीज है वो काउंट होती हैं अल्फाबेटिक कीज। फिर आ जाती है न्यूमरिक कीज। न्यूमरिक कीज मतलब नंबर वाली कीज, जिसमें हम नंबर यूज करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 0 से लेकर 9 तक जो भी कीज हैं इनको बोलते हैं हम न्यूमरिक कीज। फिर आ जाते हैं सैम्पल कीज। सैम्पल कीज का आपको पता होगा कि सैम्पल कीज कौन कौन सी होती हैं। प्लस हो गई, माइनस हो गई, क्वेश्चन मार्क हो गया, डॉलर्स हो गया, ठीक है। जो भी आपके सैम्पल कीज होती हैं जो आप डेली बेस पे मैथमेटिक्स में यूज करते हैं वो भी हम कीबोर्ड में यूज कर सकते हैं, और उनका एक नाम है सैम्पल कीज। फिर आ जाते हैं स्पेशल कीज। स्पेशल कीज में आपका एंटर हो गया, बैक स्पेस हो गया, कंट्रोल हो गया, अल्टर हो गया, ये जो सारी कीज हैं ये आ जाती हैं स्पेशल कीज में। बाय डिफॉल्ट जो कीबोर्ड की कीज हैं वो हैं फंक्शनल कीज, अल्फाबेटिक कीज, न्यूमरिक कीज, सैम्पल कीज, स्पेशल कीज। अब हम समझेंगे कीबोर्ड है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है और वो काम कैसे करता है। कीबोर्ड जो है वो है इनपुट डिवाइस। आपको पता होगा कि इनपुट डिवाइस क्या है, इनपुट है क्या। इनपुट डिवाइस वो होती हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर में डेटा सेंड करते हैं। तो कीबोर्ड की मदद से हम क्या करते हैं, कीबोर्ड की मदद से हम कुछ ना कुछ लिख पाते हैं, कीबोर्ड की मदद से हम अपना पैराग्राफ लिख सकते हैं, हम कुछ ना कुछ डेटा एंट्री कर सकते हैं कंप्यूटर में। अगर आपको कोई मैसेज लिखना हो तो आप कीबोर्ड की मदद से लिख सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन करनी हो मैथमेटिक्स के हवाले से तो आप कीबोर्ड की मदद से वो नंबर यूज करके आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो कीबोर्ड के भी बहुत सारे किस्म होते हैं। जो आमतौर पे हम कीबोर्ड यूज करते हैं वो होते हैं केबल के जरिए। हम केबल के जरिए हम कीबोर्ड को मदरबोर्ड में लगाते हैं और उसी की मदद से हम कीबोर्ड यूज कर सकते हैं कंप्यूटर में। लेकिन आजकल वायरलेस कीबोर्ड भी आ गए हैं, USB भी कीबोर्ड आ गए हैं, जिसमें वायर की जरूरत नहीं होती, बिना वायर के भी हम कीबोर्ड लगा सकते हैं। तो बेसिकली कीबोर्ड का काम क्या होता है, कीबोर्ड का काम ये है कि हम कीबोर्ड की मदद से डेटा एंट्री करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं, कुछ ना कुछ करेक्टर लिख सकते हैं। माउस, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। माउस का जो वर्ड है वो माइस से लिया गया है, माइस मीन्स चूहा, ठीक है। तो माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, हम माउस की मदद से बहुत सारे काम कर सकते हैं। माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और बीच पे एक स्क्रू बाल होता है। उसका काम होता है बाल का ये कि हम जब भी उस बाल को मूव कराते हैं तो पॉइंटर जो होता है स्क्रीन पे वो ही उसी के साथ मूव करता है। तो माउस भी एक इनपुट डिवाइस है जिसमें हम माउस की मदद से हम फोल्डर को मूव कर सकते हैं, फाइल्स को मूव कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये भी माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, इसकी भी मदद से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो ये भी एक कंप्यूटर का पार्ट है माउस। तो हर पार्ट का अपना कोई ना कोई काम होता है, तो माउस का भी एक अपना काम है कि इसकी वजह इसकी मदद से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। हम अगर माउस नहीं होता तो हम कीबोर्ड की मदद से किसी भी फोल्डर को मूव कराना, किसी भी फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना मुश्किल होता था। तो माउस का भी एक अपना बेनिफिट है कि उसकी वजह से हम जस्ट एक क्लिक करते हैं और बहुत ही कम टाइम में हम वो काम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। आज का लेक्चर हुआ हमारा इख्तिताम की तरफ।
अगर आपको ये लेक्चर नंबर 5 पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।